नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। झारखंड की गिरिडीह अश्लील वीडियो से लोगों को शिकार बनाने वाले गिरफ्तार। साइबर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने गिरोह के 4 ठगों को गिरफ्तार किया है। वहीं गिरोह के 3 अपराधी भागने में सफल हो गए। पुलिस ने इनके पास से मोबाइल फोन, सिम कार्ड और ATM भी बरामद किए हैं। शातिर साइबर अपराधी लोगों को वीडियो कॉल के जरिए लड़की से न्यूड वीडियो कराने का झांसा देते थे। गिरिडीह जिला के SP दीपक कुमार शर्मा ने बताया कि उन्हें इस गिरोह द्वारा साइबर अपराध करने की गुप्त सूचना मिली थी। साइबर अपराधियों को पकड़ने के लिए साइबर DSP संदीप सुमन की देखरेख में टीम बनाई गई। साइबर अपराधी लोगों को अपने गांव से ही ठगा करते थे। वह गांव वदकार ही ऊपर बागी से मोबाइल से अश्लील वीडियो के माध्यम से लोगों को शिकार बनाया करते थे। गांव में की छापेमारी, पकड़े गए साइबर अपराधी। SP दीपक कुमार शर्मा ने बताया कि साइबर अपराधियों को पकड़ने के लिए टीम ने गांव वदकारी ऊपर बागी में छापा मारा। पुलिस टीम ने यहां 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार 4 आरोपियों ने आम लोगों को अश्लील वीडियो भेजकर उन्हें उकसाकर ठगी करने की बात स्वीकार की। साइबर अपराधी लोगों को फंसाने के लिए खूबसूरत लड़कियों की तस्वीरों का इस्तेमाल किया करते थे। वह लोगों को SKOKK ऐप के जरिए चैटिंग कर उनकी अश्लील वीडियो और तस्वीरों को कैद कर लेते थे। फिर उनकी इन वीडियो और तस्वीरों का इस्तेमाल कर उन्हें ब्लैकमेल कर उनसे ठगी करते थे। पुलिस ने गिरफ्तार साइबर अपराधियों के पास से 13 मोबाइल फोन, 19 सिम कार्ड और 4 ATM कार्ड बरामद किए हैं। 2 महीने में 42 साइबर अपराधी पकड़े। झारखंड के गिरिडीह जिले में साइबर अपराधियों का बोलबाला है। जिले की पुलिस ने पिछले 2 महीने के दौरान अब तक कुल 42 साइबर अपराधियों को विभिन्न साइबर फ्रॉड के मामलों में गिरफ्तार किया है। SP दीपक कुमार शर्मा ने लोगों से सोशल मीडिया के साथ साथ इनसिक्योर ऐप के डाउनलोड करने और अनजान नंबर से किए जाने वाले कॉल पर बात करने के दौरान सतर्कता बरतने के साथ बैंक खातों से जुड़ी जानकारी साझा नहीं करने की अपील की है। झारखंड से संवाददाता पप्पू केवट की रिपोर्ट।